हेलो सुटोर स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल पे और मैं हूं एस ए मी आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द थायराइड ग्लैंड लास्ट वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा उसके साथ हमने ग्लैंड और टाइप्स ऑफ ग्लैंड पढ़ा हमने लास्ट वीडियो में हार्मोन को डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हारमोन मैकेनिज्म ऑफ रिलीज एंड वर्किंग ऑफ द हारमोन आज के इस वीडियो में हम एंडोक्राइन ग्लैंड में से पहला ग्लैंड डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द ग्लैंड आज के इस वीडियो में हम ग्लैंड का लोकेशन स्ट्रक्चर उसके साथ ग्लैंड के हारमोन उनकी फंक्शन और उसके साथ साथ डिजीज रिलेटेड विद द एबनॉर्मल रिलीज ऑफ दिस हारमोन तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहिए मैं हूं एस एमर शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक दैट इज द थार ग्लैंड ग्लैंड जैसे मैंने कहा कि इसका जो लोकेशन होता है इट इज लोकेटेड इन अवर नेक रीजन ये हमारे नेक के अंदर लोकेट रहता है इट इज लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द लैरेंस ये लारेंगस के सामने लोकेट रहता है और उसके साथ हमारा जो ट्रैकिया है उसके टॉप जो पोर्शन है उसी पोर्शन के अराउंड ये लोकेट रहता है हमारा जो स्ट्रक्चर होता है थायराइड ग्लैंड का इट इज बेसिकली कंसिस्टेड ऑफ टू लोब्स का बना होता है एंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड तो नहीं है लेकिन हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उन एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा थाइराइड ग्लैंड ही है थायरॉयड ग्लैंड जो है जैसे मैंने कहा कि ये दो लोब्स का बना होता है इसके जो दो लोब्स होते हैं वो दो साइड पे जो हमारी जो विंड पाइप होती है ट्रैकिया होती है उसके दो साइड पे लोकेट रहते हैं और दोनों जो साइड्स होते हैं या दोनों जो लोब्स होते हैं दे आर कनेक्टेड बाय अ मीडियन नैरो जिसको हम इस थमस कहते हैं तो इस थमस के जरिए से ये कनेक्टेड रहते हैं हमारा जो थाइराइड ग्लैंड होता है ये बना हुआ होता है सर्कुलर फॉलिकल्स का और ये जो फॉलिकल्स होते हैं दे रिमेन कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कार्ड द स्ट्रोमा यानी ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये जो है स्ट्रोमा के जरिए से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और पूरा का पूरा ये जो टिश्यू होता है इट रिमेन कनेक्टेड बाय अ फेब्रो इलास्टिक टिश्यू तो ये फेब्रो इलास्टिक टिश्यू के जरिए से जो है कवर रहता है हर एक फॉलिकल जो है वो क्यूबाइडल इफ्थीलियम का बना होता है एंड दिस क्यूबाइडल इफ्थीलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे हमें पता है कि सभी टिश्यूज जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं, वैसे ही जो इफ्थिलियम होता है और ये जो फॉलिकुलिस होते हैं जिलेटिनस फ्लूइड कॉल्ड कोलाइड ये कोलाइड से भरे हुए होते हैं एंड हम आगे देखेंगे कोलाइड होता है इसके अंदर हार्मोन्स स्टोर किए जाते हैं सो so, इसके अलावा हमारा जो स्ट्रोमा होता है यानी जो कनेक्टिव टिश्यू इन फॉलिकल्स को कनेक्ट करता है वो हाईली वेस्कुलर होता है यानी उनमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और उसके साथ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है विच आर द सी सेल्स और द क्लियर सेल सो इस तरीके से हमारे जो थाइराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है इट इज एस समेटेड इसके बाद हम चलते हैं थारॉयड हारमोन्स हमारा थायराइड ग्लैंड तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जिनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट हार्मोन जो आता है दैट इज द थायरोक्सिन जिसका दूसरा नाम टेट्रा आयोडो थायरोनिन है या जिसको हम T4 भी कहते हैं सेकंड हार्मोन ऑफ आवर थायराइड ग्लैंड इज द ट्राई आयोडो थायरोनिन दैट इज द T3 और थर्ड जो हार्मोन हमारा थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है दैट इज द कैल्सटोनिन

तो ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं दैट इज T3 एंड T4 दैट मींस जो थायरोक्सिन प्लस ट्राईआयोडोथायरोनिन है ये हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसे सेक्रेट करके फिर स्टोर करता है इन द कोलाइड सो ये कोलाइड के अंदर स्टोर कर दिया जाता है इसलिए इन दो हार्मोन्स को हम कोलाइडल हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि इनका जो स्टोरेज होता है वो कोलाइड के अंदर होता है लेकिन दोनों के दोनों हारमोन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउ द फंक्शन ऑफ दीज टू हार्मोन दट इजीन एंड द टी थ्री जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ये दो हार्मोस कैरी करते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनमें सबसे पहला जो फंक्शन है वो है कि ये दोनों हार्मोनस हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं यानी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है हमारी सेल्स के अंदर वो यही दो हार्मोनस कंट्रोल करते हैं ये इस बेसल मेटाबॉलिक रेट को ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करने से करते हैं यानी हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन कितना होगा वो डिपेंड करता है इन दो हार्मोन्स के ऊपर सेकंड फंक्शन जो है दिस स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज ये ग्रोथ ऑफ टिश्यूज को स्टिमुलेट करते हैं और उसके साथ साथ मेंटल फैकल्टी जो हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है या उसमें जो ग्रोथ होती है तो उसको भी

अगर इन हारमोन्स की कंसनट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो किडनी जो है ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है और अगर इन हारमोन्स में कमी आ जाती है तो किडनी जो है लेस यूरिन प्रोड्यूस करती है सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कोलाइड हारमोनस और थायरॉक्सिन एंड द टी थ्री हारमोन इसके बाद ये जो दो हारमोनस है दैट इज थायरॉक्जीन एंड द टी थ्री इन में एबनॉर्मेलिटीज भी पैदा हो सकती है क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हारमोनस को प्रोड्यूस करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर अदर हारमोन विच इज प्रोड्यूसड बाय अवर पिच्यूटरी ग्लैंड वो पिच्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है यानी हमारा पिच्यूटरी ग्लैंड थायरोट्रोपिन हारमोन प्रोड्यूस करता है विच एक्टिवेट द थारॉयड ग्लैंड टू रिलीज दिज हारमोन अगर हमारे इस थायरोट्रोपिन में कमी या ज्यादा हो जाती है या हमारे थायरोयड ग्लैंड के अंदर कोई डिसऑर्डर पैदा हो जाता है तो उससे इन हारमोनस का जो लेवल है वो बढ़ सकता है या डिक्रीज हो सकता है तो उस सूरत में कई तरह के डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं सो so, सबसे पहला डिसऑर्डर जो है जो एक पेशेंट के अंदर हो सकता है दैट इज द ग्रेव्स डिजीज ग्रेव्स डिजीज पैदा होती है ड्यू टू द हाइपर सेक्रेशन ऑफ द कोलाइड हार्मोन्स दैट अगर थायरोक्सिन और टी3 ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी वजह से जो है ग्रेवस डिजीज़ पैदा हो जाती है ग्रेविस डिजीज़ को हम एक्जोथॉलमिक गोइटर भी कहते हैं इस डिजीज में क्या होता है कि ये जो कोलाइड हार्मोन्स है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रेट मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सेल्स के अंदर जितना भी फूड अवेलेबल होता है वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी लिबरेट करता है तो बॉडी के अंदर बहुत कम फूड बचता है जिसको बॉडी के अंदर स्टोर किया जा सकता है तो जो पेशेंट है वो एक्स्ट्रा लीन हो जाता है यानी जिस सिचुएशन को हम इमेसिएशन कहते हैं वो एक्स्ट्रा थीन होने की वजह से फिर क्योंकि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ऑब्वियसली बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके साथ जो पेशेंट है उसका हार्ट बीट भी बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उस पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस इरिटेशन पैदा हो जाती है और उसके साथ ट्रिमर भी पैदा होते हैं ऐसे पेशेंट में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पैदा हो जाता है कि जो आई बॉल होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है वो बाहर की तरफ फट के आ जाती है जिसको हम एक्लोस कहते हैं और इसकी वजह से इस डिजीज को एक्जोथर्मिक ग्वाइटर भी कहते हैं सो दिस इज द फर्स्ट डिजीज अब ये डिजीज होती किस वजह से है कभी कभार हमारा जो थाइराइड ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है तो जब उसका साइज बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली जो हारमोन वहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका सेक्रेशन भी बढ़ जाता है तो जिससे ग्रेविज डिजीज हो जाती है इसका इलाज है कि थायराइड ग्लैंड का सम पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया जाता है कुछ हिस्सा थायराइड ग्लैंड का रिमूव कर दिया जाता है जिससे इन हारमोन की लेवल कम हो जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है दूसरी डिजीज अब जो ह्यूमनस के अंदर होती है दैट इज कॉल्ड द्रिटेनिज्म अब क्रिटिनिज्म जो है ये होती है बिकॉज ऑफ द हाइपोसैक्रेशन ऑफ द थायराइड हारमोन्स अगर थायराइड हारमोन बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं या नॉर्मल लेवल से कम प्रोड्यूस होते हैं इन इन्फेंट्स पर्टिकुलरली इन इन्फेंट्स यानी क्रिटिनिज्म इन्फेंट्स में होती है छोटे बच्चों में होती है तो छोटे बच्चों में जब ये हारमोन्स कम प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन रेट है वो रिड्यूस हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से एक पेशेंट जो है उसका हार्ट बीट कम हो जाता है बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है उसके साथ साथ जो है सेक्चुअल डेवलपमेंट भी उसका इफेक्ट होता है अब जो क्रिटिन होता है एक बच्चा जो इस डिजीज से इफेक्ट हुआ है उसको हम क्रिटिन कहते हैं तो ये क्रिटिन जो है उसकी ऑकवर्ड बॉडी होती है और उसके साथ उसमें जो बेली होती है उसका जो पेट होता है दैट अ पॉट लाइक स्ट्रक्चर एक बर्तन की तरफ बाहर की तरफ होता है उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अजीब हो जाता है सो so, ये बच्चों में ये डिजीज होती है तो इस डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं बाय द अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हारमोनस यानी जो हारमोनस होते हैं थाइराइड हारमोन उनको जो है इंजेक्ट किया जा सकता है या टेबलेट्स की सूरत में बच्चे को दिया जा सकता है जिससे उसकी ये डिजीज जो है ठीक हो सकती है इसके बाद तीसरा जो डिसऑर्डर पैदा होता है दैट इज द मिक्सोएडिमा मिक्सोएडिमा जो है एडल्ट्स में पैदा होता है एंड दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय हाइपोसेक्रिशन ऑफ द थायराइड हार्मोन यानी अगर थायरोक्सिन और टी3 हार्मोन की लेवल कम हो जाती है एक एडल्ट पर्सन में तो उसमें मिक्सोएडिमा होता है तो मिक्सोएडिमा में जो क्रिटिनिज्म में जो सिम्टम्स uh, पैदा होते हैं वैसे ही सिम्टम्स जो है मिग्जो एडिमा के अंदर भी पैदा होते हैं एडल्ट पर्सन जो है जो पेशेंट इसे सफ़र कर रहा है उसकी बॉडी में ऑक्सीडेशन रेट कम हो जाता है यानी मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस होता है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर अलर्टनेस कम होती है या वो काफ़ी ज़्यादा लेजी हो जाता है उसकी हार्ट बीट रिड्यूस हो जाती है उसके साथ साथ बॉडी टेम्परेचर भी जो है कम हो जाता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और उसकी सेक्चुअल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होती है तो इसके साथ जो मेंटल फैकल्टी ऑफ द पर्सन है वो भी इफेक्ट हो जाती है तो इस डिजीज को भी हम ट्रीट कर सकते हैं बाय द हार्मोनोथेरेपी यानी इस पर्सन को जो है थायराइड हार्मोन जो है या इंजेक्ट किए जाएंगे या टेबलेट्स की सूरत में उसको प्रोवाइड किया जाएंगे ताकि बॉडी में जो हार्मोन्स uh, का लेवल है उसको नॉर्मल लाया जा सके सो दीज आर द थ्री डिजीज कॉजड बाय थायरॉक्सिड और द टी थ्री हारमोन्स ये अगर उनकी लेवल ऊपर हो जाती है या नीचे हो जाती है फ्रॉम द नॉर्मल लेवल इसके अलावा एक और डिजीज जो है वो थायराइड ग्लैंड में हो सकती है दैट्स कार्ड द ग्वाइटर अब ग्वाइटर जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है ग्वाइटर बेसिकली जो है आयोडीन डेफिशंसी की वजह से होती है अगर एक पर्सन को जो है आयोडीन प्रॉपर लेवल में नहीं मिलता है तो उससे उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाता है जब ये थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है तो इस डिजीज को हम जो है ग्वाइटर कहते हैं सो ऐसे पर्सन हम देख सकते हैं वहां पे एक स्वेलिंग यहां पे आ जाती है जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं और ग्वाइटर की वजह से अगर बच्चों में होता है तो उनमें क्रिटनिज्म हो सकता है और अगर ये बड़ों में होता है तो उनमें मिग्जो एडीमा जैसी डिजीज पैदा हो सकती है नाउ द लास्ट हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाई द थार ग्लैंड प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती है, जिनको हमने ये को करती है ये और की लेवल को मेनटेन रखते हैं अब ये जो हारमोन है यह रिलीज होता है अंडर दैक्रोल ऑफ कैल्शियम कंसेंट्रेशन यानी हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम कंसेंट्रेशन है अगर वो बढ़ जाती है इट द दायरय ग्लैंड टू प्रोड्यूस दिस हार्मोन तो ये इसकी वजह से ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो ही कैल्सटोनिन रिलीज होता है तो हमारा थाइराइड ग्लैंड जो है रिलीज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को हमारी बोनस से प्रिवेंट कर देता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है वो रिड्यूस हो जाती है तो इस तरीके से जो है कैल्सटोनिन हमारी बॉडी के अंदर काम करता है So, ग्लैंड पढ़ा उसके हार्मोन्स पढ़े और उसके साथ, साथ हमने विच और हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखे और उसके साथ जरूर लिखे कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो ताकि हम आपके मुताबिक आपके लिए वो वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सके सो so, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू